जिनकी यहां संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। एक बहुत सुंदर बात है, अपनी जिंदगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं, और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी। शिव देने में कमी नहीं रखता, कमी अपनी सेवा में। कई कई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करते हैं, हम पूजन करते हैं, मैं तो इतने साल से बेलपत्र चढ़ा दी, मैं तो इतने साल से जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से भगवान के 16 सोमवार कर रही हूं, मैं इतने समय से संकट सोमवार के व्रत कर रही हूं। भगवान नहीं सुन रहे तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। जब 10 दिशाओं को भगवान शंकर ने बांटा और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं को बांटा तो 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया ये कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहां पर निवास करेंगे, किसका आधिपत्य इस दिशा में होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सामने खड़ी। चारों धीरे धीरे करते ईशान वायव्य ये भी आकर खड़ी, दसों दिशा शिव जी के सामने थी, दसों दिशा सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई, केवल एक दिशा ऐसी थी दक्षिण जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही थी, केवल दक्षिण दिशा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, जीवन से होगा शायद, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को, यूट्यूब फेसबुक पर, आपके भी मन में यह प्रश्न आया होगा, कभी जिंदगी में तो आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है। कभी तो जीवन में प्रश्न आया होगा आपके भी कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव, हमारे YouTube चैनल किस लिए स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छे कुमार के बारे में जानिए महाराज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। केवल एक दिशा ऐसी है दक्षिण जो दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रही है। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी, दक्षिण दिशा शिव की आराधना कर रही थी शंकर। वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर हंसने लगी। सारी दिशाएं होता है जब 10 फ्रेंड 10 सहेलियां, सरल भाषा में समझिए इसको, 10 फ्रेंड 10 सहेलियां एक जगह पर इकट्ठी हुई और एक सहेली अकेली बैठकर माला जपे, नाम जपे, या हैंडसेट मोबाइल चलाए, या फोन पर लगी रहे, या बात करे, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना ठिठोली तो करेंगी ना। दक्षिण दिशा को देखकर उत्तर दिशा ठिठोलियां करने लगी, हंसने लगी। भगवान शिव की आराधना में दक्षिण लगी हुई थी। पूरब और पश्चिम ये दो दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभिमान था, बहुत अभिमान। तो इन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे अधीन, पूरब और पश्चिम के अधीन सर्वदेव, तो जब सर्वदेव मेरे अधीन है, हमारे अधीन है, तो हम क्यों जपें, हम क्यों स्मरण करें। पूरब और पश्चिम बैठे रहे, एक सिंपल भाव में बैठे भी रहो ना, मत हंसो मत ठिटोली करो तो भी चल जाए, पर उत्तर
ठिठोली। और उत्तर दिशा ने जैसे ही ठिठोली करी, शब्दों के बाण कहना दक्षिण को चालू करे, इतने में भगवान शंकर जो मध्य थे सामने, जिस शिव की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, जिसके स्वामी है यमराज, जब वो करी, दक्षिण दिशा ने एक बार हाथ जोड़कर कहा, उत्तर शांत रहिए, अगर मैं शिव आराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है। उत्तर ने फिर कोई शब्द कहा, इतने में जिस शंकर की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, शिव को क्रोध आ गया, और किसी की तप साधना में, भजन में, कीर्तन में अगर आप अड़चन उत्पन्न करते हो तो जो जब तप कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा, जिसका भजन कर रहा जा रहा है, जिसका नाम जपा जा रहा है, कष्ट उसको होगा। दक्षिण ने तो केवल एक बार मना कर दिया कि मत बोल मत कर, पर उत्तर नहीं मानी। तब दक्षिण उसी समय पर मौन हो गई, आराधना में डूब गई। शंकर भगवान जैसे ही एक लिंग रूप में प्रकट हुए, भगवान का तेज पुंज इतना प्रबल था कि सामने उत्तर दिशा घातित होने लगी, चलने लगी। क्षमा मांगी उसने दक्षिण दिशा से, कृपा करो। तब दक्षिण ने जल का पात्र लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाया, वो जल उत्तर की ओर गया, तब उत्तरा की ज्वलन ताप समाप्त हुआ। माता दक्षिण दिशा ने वर मांग लिया शंकर जी से, भोलेनाथ आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी, मेरी सखी को बचा दिया, कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो दक्षिण दिशा, तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ में रहता है, तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी है। पूरा पश्चिम उत्तर ये तीन दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो, और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि एक लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा। अब दिक्कत यहां अड़ी पड़ी एक है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने बैठते तो पूरब का मुंह करो, पश्चिम का मुंह करो, पर दक्षिण में नहीं करने, दक्षिण में बैठने नहीं दे। पर शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना आप तीन दिशा में कहीं पर भी बैठकर करोगे, शिव स्वीकार नहीं करता। पर दक्षिण की ओर बैठकर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर स्वीकार कर लेता, शंकर उसको पा लेता। अब दिक्कत यह है कि कई लोग कहते हम तो पूजन करते, भगवान नहीं सुनता, तो दिशा देख ले पहले कौन सी बैठी थी, इतने दिनों से किस दिशा में मुंह रखकर पानी चढ़ाया वो बता हमको पहले। शंकर जी ने नहीं सुना, थोड़ा बड़ा ही आवाज गला गड़बड़ो, अगर शिव जी ने नहीं सुना आपका तो क्यों नहीं सुना, कारण क्या है वो तो जानो पहले कि क्या कारण है। पानी चढ़ा रहे हो, मंदिर में बहुत भीड़ है, इधर खड़ी हो गई, उधर खड़ी हो गई, इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए, तो जो शास्त्र में दिशा कही गई है, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि उत्तर की ओर भगवान का अगर जल जा रहा है तो दक्षिण की ओर बैठकर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर उसे स्वीकार कर लिया। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे YouTube भगवान उसको स्वीकार कर महाराज आराधना करी दक्षिण ने, फिर आराधना करी, एक वर तो मांगी लिया है और ये वर सबके लिए मांगा है, कोई अकेले के लिए नहीं मांगा दक्षिण देवी ने, है दक्षिण दिशा ने जो मांगा वो सबके लिए मांगा, किसी एक के लिए नहीं। तो दक्षिण फिर तप कर रही है, दक्षिण दिशा फिर आराधना, और दक्षिण दिशा ने फिर आराधना प्रारंभ करी, भगवान शिव का अनुमोदन स्मरण किया,
भगवत रस तत्व को ग्रहण करने का भाव प्रकट किया। अब जो दक्षिण ने तप किया आज गौरी शंकर का तप, माता पार्वती और शिव का तप, फिर मांगा बाबा प्रसन्न होकर, हे दक्षिण तुमने फिर तप कर लिया, फिर साधना कर ली, प्रभु एक वर और चाहिए। बोलो क्या वर, क्या वर दिया जाए। दक्षिण कहती है जिस समय पर शमशान में आप निवास करते हैं, जिस मुर्दे को लोग लेकर आएंगे उसका चरण दक्षिण दिशा की ओर होगा, शमशान में प्रवेश करने से पहले वो मुर्दा भले मर चुका होगा पर महाराज उसकी कपाल क्रिया के पहले प्राण जाते नहीं, जब तक मुर्दे के कपाल क्रिया नहीं हो तब तक उसके प्राण लेकर ऊपर नहीं जाया जाता। तो निवेदन है शमशान में प्रवेश के 5 कदम पहले से जो भी मुर्दे को लेकर शमशान में आए, जितने लोग शमशान में प्रवेश करें मुर्दे के साथ में, उन सभी को काशी की परिक्रमा का फल मिल जाए। देखिए महाराज ये दुनिया में कोई नहीं मांग सकता जो दक्षिण दिशा मांग रही है। भूतो न भविष्यते, जो दक्षिण दिशा भगवान से मांग रही है वो कोई नहीं मांग सकता। फल दीजिए, जितने लोग मुर्दे को लेकर दक्षिण दिशा की ओर, अगर मुर्दे के चरण है, मान लो कोई भूल से सिर कर लिया तो उसको ये पुण्य नहीं मिल सकता, पर मुर्दे के पांव अगर दक्षिण दिशा की ओर हैं, कंधे पर जितने लोग लेकर आ रहे हैं, जितने लोग साथ चल रहे हैं, उसका पुण्य शमशान की देहली पर पांव रखने से 5 कदम से लेकर शमशान प्रवेश तक काशी की परिक्रमा का फल उनके भाग्य में लिख दिया जाए जो मुर्दे को लेकर आए। पुण्य देखिएगा जरा महाराज, ये कोई नहीं मांग सकता जो दक्षिण दिशा ने मांगा था। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, वही हो सुख हो। यहां तो काशी काशी 5 बार कहने पर पुण्यता है, दक्षिण दिशा ने दुनिया का सुख आपको लाकर दे दिया, दुनिया का सुख लाकर दिया है, दुनिया का आनंद लाकर दिया। पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते, वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा, घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया उसको अग्नि में नहीं तपाया तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में सोमवार अष्टमी की बहुत ही विशेष महत्व बताए हैं। जो भी भाई बहन इस उपाय को करेंगे उसके बहुत ही मनोवांछित फल प्राप्त होगी, धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी।